गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह मैं आई हूँ एक्सरसाइज के लिए और मौसम बरखा हो रही है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, कोई भी नहीं है यहाँ पर बाहर। और जैसे कि रात से हो रही है यार, मौसम इतना ठंडा है ना, कूल है, ठंड बहुत लग रही है। देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है, अब देखती हूँ कहीं पर एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। और क्या है, बादल ये देखिए और कितना अच्छा है। और मेरा एक्सरसाइज हो गया, उजाला भी हो गया 7 बजे। अभी बारिश बंद हुआ, बिल्कुल हल्का हल्का हो रहा था, तो अब घर जाती हूँ। 6 बजे से आई हूँ, 7 बज गए, तो घर जाती हूँ, फिर पानी पुनी पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी गाइस। और मज़ा भी आ रहा है, मौसम इतना कूल है ना, ठंडा ठंडा, बहुत मस्त लग रहा है। और सुबह का जो ये वातावरण होता है, ये हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये मेडिसिन है गाइस, बहुत ही फ्रेश होता है, इस करके मैं अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें नींबू पानी वगैरह पी के मैं बाहर आ गई बालकनी में अपने प्लांट देखने के लिए, क्योंकि इतनी हवा चली थी ना। और सही है सब कुछ, बिल्कुल मुझे बड़ा कि वो होता है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। ये तो सबसे अच्छा हो गया है मेरा प्लांट, ये देखिए सारे ओके हैं। और ये देखिएगा इस कितना प्यारा और हो रहा है, सारे प्लांट अभी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो घर वाले सारे मस्त सो रहे हैं, तो मैं इधर ही भटक रही हूँ। ये देखिए ग्लो, हमारा ग्लो कहती हूँ, एलोवेरा जेल सुबह सुबह थोड़ी सी हो जाता है। तो अजवाइन कितना अच्छा, ये स्नेक प्लांट बहुत सुंदर हुआ है। तो बस बाहर बालकनी में बस गंद पड़ा हुआ है, अब सफाई सफाई करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ बॉडी को थोड़ी सी, क्योंकि एक्सरसाइज करके ड्राई फ्रूट वगैरह भी खा लिया। थोड़ी बाहर मैं क्या घूम लूँ, देख लूँ मेरा प्लांट। ये देखेगा इसमें नवा लेके आई थी ना, ये देखिए हो रहा है, अभी हो रहा है, ये तो हो गया, ये वाला कौन सा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, हो गया। और छोटे 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 यहाँ पर मैंने बीज भी लगाया हुआ है, देखो ये भी होगा। तो बस हो रहा है, अच्छे अच्छे हो रहे हैं, ये देखिए इधर भी हो रहे हैं। अंदर जाती हूँ क्योंकि मैंने लाइट लूट बंद कर दी है, क्योंकि सो रहे हैं, फिर हमें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, तंग करना सभी को। कबूतर अभी उड़ उड़ के आ रहा था, उठूँ तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखो ये भी कितना सुंदर सुंदर हो ही जा रहे सारे प्लांट वगैरह। ठंड बहुत है, आ गया ठंड, ठंडिया का ठंड का मौसम आ गया, तो चलिए अंदर चलते हैं। मौसम बहुत ही कूल है, ये देखिए बाहर, अंदर आओ तो अंधेरा, बाहर उजाला, अंदर अंधेरा बाहर उजाला, क्योंकि मैं सोए हुए। तो चलिए मिलते थोड़ी देर के बाद। इसमें डालेंगे गाइस 1 चम्मच दही, ये देखिए दही डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे हनी, हनी से हमारी त्वचा ना एंड ग्लो करेगी, और बहुत ही अच्छा होता है, दोनों को एक साथ मिक्स करो ना, रिजल्ट ऑसम आता है गाइस। ये देखिए हमारा हनी, हनी बहुत ही बढ़िया है, और इसको हम मिक्स करेंगे गाइस। जैसे कि मैंने दही को और हनी को मिक्स कर लिया, ये देखिए कितना आपने थिक करना है, दही थोड़ी सी गाढ़ा हो तो सबसे बेटर है। तो ये हो गया, हम इसका अब हम करेंगे मसाज, ठीक है। ऐसे ले लेंगे, डिप करेंगे दोनों हाथ से, ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके सारे फोरहेड में 5 मिनट हमने मसाज करना है, जहाँ हमारे ब्लैक है, डार्क सर्कल है, वहाँ वहाँ पर आइस के नीचे होता है, वहाँ पर हमने ऐसे मसाज करना है, ठीक है, सारा लगा लेना है। ये देखिए ऐसे करके आप नेक में भी लगा सकते हो, ये देखिए ऐसे करना है मसाज भी अपने, ऐसे करना है नोज में, ये देखिए ऐसे करके दिख रहा होगा आपको, ऐसे तो ऐसे, फिर दोबारा हनी को और ये जो पेस्ट है ले ही जाना, आपने लगा ही जाना, आपका जो फेस है सॉफ्ट होगा, बहुत ही अच्छा होता है हनी और दही मिक्स करके लगाने से ना। आगे आपको मैं कर लेती हूँ, ये देखो चौथा भी ऐसे, कपड़ा रख लेना मसाज करते टाइम में, नहीं तो आपके कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे, जो गंदा कपड़ा होगा वो अपने बिछा लेना, ब्लैक होगा वहाँ वहाँ अपने, जैसे कि मेरे ये आइस के नीचे, ये देखिए मुझे लगता है, देखो मैं 5 मिनट ऐसे मसाज कर लेती हूँ, ये देखो चो रहा है, देखो आपको दिख रहा है अभी भी। कोई बात नहीं, मैंने क्योंकि कपड़ा बिछाया हुआ ऑलरेडी, नहाना ही है अभी,
चलिए गाइस मैं मसाज कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी। ठीक है, धोने के बाद, मसाज करने के बाद 5 मिनट आपने मसाज करना है, फिर सिंपल पानी से धो लेना है। ठीक है, कुछ साबुन सुबुन फेस वॉश कुछ नहीं लगाना, सिंपल पानी से। गाइस जैसे कि मैंने फेस को धो लिया सिंपल पानी से और मैंने 5 मिनट मसाज किया, 2 मिनट उसको रखा और आपके सामने रिजल्ट कैसा लग रहा है। और रोज आपने करना है, हफ्ते तक मतलब रेगुलर करो। और जैसे आपको पता है दही कितना बेनिफिट होता है और कितना प्रोटीन वाला दही होता है, जैसे हम खाते तो हमारी सेहत को अच्छा होता है, ऐसे ही फेस को भी खाना चाहिए, भरपूर उसको खाना चाहिए फेस को भी। तो और आपको पता है हनी कितना अच्छा होता है, जो हनी हमने मिक्स करके लगाया उससे हमारा एजिंग, जैसे हम एज से पहले बूढ़े होने लग पड़ते हैं, झुर्रियाँ आती है, उससे हमें टाइटिंग करता है, अच्छा रहता है, जो ब्लैक हमारे आइज के नीचे होते हैं डार्क सर्कल उसको खत्म करता है। आप रेगुलर लगाओगे तो, वैसे तो नहीं, एक दिन लगाओगे तो नहीं होगा। मैं देखो मैं यही सब अपने घर से बना के ये चीज़ यूज़ करती हूँ, ता मेरा फेस बचा हुआ है, नहीं तो बैंड बच जाना था। तो बस, और दही से हमारा फेस जो है सॉफ्ट हो जाएगा, क्लीन होगा, अच्छा होगा, मतलब कितना आप सॉफ्ट मेरा फेस लग रहा है, मैंने कुछ नहीं लगाया, आपके सामने है तो रिजल्ट आपको दिख गया ना। तो चलिए मैं फटाफट अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये सब आपने करना, अपना फेस को अच्छा रखना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, शाइन करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ रोज, दही दही तो अपने घर में होता है, शहद भी होता है, उसको मिक्स करो यार, उसको लगाओ फेस में। तो चलिए भाई, जैसे कि मैंने घर का सारा काम कर लिया, अब मैं रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ मार्केट। और मैं अभी थोड़ी सी थकी थकी लग रही हूँ क्योंकि आज मैं सोई नहीं ना, रेस्ट नहीं किया है, तो इसके फटाफट घर का काम कुम करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, तो नहा धो के नाश्ता वगैरह करके अब तैयार होके अब निकल रहे हैं मार्केट। तो चलिए आइए हमारे साथ। गाइस जैसे कि मैं घर आ गई हूँ मार्केट से, और मार्केट में किस लिए गई थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टाय टाय टाय, ये देखिए बादाम, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए गाइस। तो ये सारा ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ, इसलिए लेके आई हूँ ये मेरे 15 दिन की डाइट है गाइस, ये सारा। तो 15 दिन के बाद ये खत्म होगा, फिर लेके आऊंगी। और इतना एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ तो और कुछ चाहिए ना, ताकत चाहिए तो नहीं तो बंदा वीक हो जाता है, फिर बंदा इतना ज्यादा करता है। तो आगे मेरा पैर का बैंड बज गया, इसलिए बैंड बज गया क्योंकि मेरी भी गलती है, मैंने रस्सी ना ज्यादा कूद लिया था। मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करती हूँ तो इस करके ज्यादा जोश जोश में ना ज्यादा हो गया था। तो डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करो, रेस्ट तो करना नहीं 2 टाइम का एक्सरसाइज कर ही रही हूँ। और अब मैं मतलब शाम की एक्सरसाइज जो है वो घर कर रही हूँ, क्योंकि जब चलती हूँ ना पैर अभी भी पेन होता है, थोड़ी सी तो रेस्ट दू ना, अभी तो आगे तक जाना है अभी तो इस करके। तो ये डाइट खाऊंगी, एनर्जी आएगा, फिर आगे कर पाऊंगी, पहले से फुस हो गई तो फिर नहीं ना तो बस यही है, तो इसलिए हम मार्केट गई थी मैं, मतलब लेके आऊं, खत्म हो गए थे। तो ये देखिए सारे, तो बस, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सुबह से ऐसे निकल गया, पहले डिनर के सॉरी लंच वगैरह बना। अरे कहना क्या चाहते हो? लंच क्या हो गया, माइंड थोड़ी सटक गया गाइस, नाश्ता वगैरह बनाया, घर का काम किया, फिर गई, आज का दिन ऐसे निकल गया, तो थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। गाइस जैसे कि मैंने बना लिया ब्लैक टी, मेरा पीने का मन कर रहा, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने बनाया ब्लैक टी, तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक टी। तो ये देखिए गाइस मेरा ब्लैक टी, और यहाँ पर मैंने रखा गोभी, अभी मैंने डिनर के लिए तैयारी करना, काटना है, टमाटर टमाटर मिर्च वगैरह इधर रखा हुआ है। तो मैं किसके साथ ब्लैक टी पीती हूँ दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये गाइस चने, चने से आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी और सही भी रहता है और खाने में, और आपको जैसे भूख लग गया, आप बिस्कुट वगैरह खाना चाहते हो, वो खाना बिल्कुल नहीं है, आपने खाना है चने, ये देखिए। और इसके साथ मैं पी रही हूँ ब्लैक टी, तो पीछे हूँ मैं गाइस, और इसको मैं पी लेती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है भुना हुआ चना ना, मजा आता है खाने में भी। तो चलिए मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ, फिर नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं सब्जी सब्जी काटना है, बहुत काम है कौन कहता है मैं काम नहीं करती हूँ, काम करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ तो चलिए गाइस मेरा आलू गोभी की सब्जी बन गया, और चपाती दो, और सैलेड फटाफट खा लेती हूँ, और हैवी खाना नहीं खाती हूँ, सिंपल खाना खाती हूँ। और देखा ही आपने,
सब्जी रोटी आए हाय, तो भूख लगी है, फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर बस बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बाय।